यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखने में काफी लंबा दिखेगा, लगेगा टाइम कंज्यूमिंग है, पर बहुत अच्छे से अगर आपके कंसेप्ट बने आप विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं, यानी लेस देन वन मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन थीटा माइनस टू साइन थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा बिलोंग टू जीरो टू पाई वाई, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा पावर 12 बीटा पावर 12 अपॉन अल्फा पावर माइनस 12 बीटा पावर माइनस 12, ये अल्फा प्लस बीटा नहीं होगा, ये होगा अल्फा माइनस बीटा की होल पावर 24। ये क्वेश्चन पूछा था। अब एक बात समझिए कि ये अल्फा पावर माइनस 12 है, आप मेंटली एक स्टेप डायरेक्टली लिख सकते थे, ये ऊपर जाएगा एलसीएम लेके कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली आपको कुछ ऐसा दिया अल्फा पावर 12 बीटा पावर 12 अपॉन अल्फा माइनस बीटा की पावर 24। कितना सिंपल और अच्छा क्वेश्चन हो गया। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे अल्फा बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होल पावर 12। क्वेश्चन करेक्ट। कैसे? अब अल्फा बीटा और इसको लिखोगे आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस माइनस फोर अल्फा बीटा यस और नो की पावर 12। अल्फा बीटा कितना बेटा? अल्फा बीटा होगा टू माइनस, तो खैर खत्म हो जाएगा, इवन पावर है, टू साइन थीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस फोर इंटू टू साइन थीटा की होल पावर 12। एक साइन थीटा कैंसिल, तो टू पावर 12 अपॉन साइन थीटा माइनस एट की होल पावर 12। देखिए है कहीं? यस, टू पावर, अच्छा ये पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके ओके ओके, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा प्लस एट की होल पावर 12। दिस इज द राइट आंसर, इज दैट क्लियर? क्योंकि यहां पर ध्यान रखिए अल्फा प्लस बीटा है माइनस साइन थीटा, और अल्फा बीटा जो है वो टू साइन थीटा है, तो वो माइनस यहां पर प्लस हो जाएगा। यानी देखने में जो क्वेश्चन कई बार बहुत बड़े दिखते हैं वो क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल होते हैं, और मैं आपको फिर एक ही बात हर सेशन में बोलूंगा इन सेशन में कि कंसेप्चुअल और नॉलेजेबल पढ़ाई करिए, कंसेप्ट बना के पढ़िए, उससे आप हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को।